बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान तो बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ही चुकी है। वहीं अब सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान की बारी है। इब्राहिम अली खान जल्दी बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं, लेकिन एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि असिस्टेंट बनकर। हाल ही में इंटरव्यू के दौरान इब्राहिम के पिता सैफ ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे इब्राहिम फिल्म मेकर करण जौहर की आने वाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में असिस्टेंट के तौर पर काम करने जा रहे हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इब्राहिम की इस तरह से बॉलीवुड में एंट्री से लोग कयास लगाने लगे हैं कि वो जल्द ही किसी फिल्म में बतौर एक्टर डेब्यू कर सकते हैं। दरअसल वरुण धवन, शनाया मल्होत्रा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर सिंह जैसे स्टार्स भी बॉलीवुड डेब्यू से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। वहीं इस फिल्म के जरिए करण जौहर 5 साल बाद बतौर डायरेक्टर वापसी करने वाले हैं। आखिरी बार करण जौहर ने फिल्म ए दिल है मुश्किल डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में अनुष्का शर्मा, रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आए थे। वहीं फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र और शुबाना आजमी मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं। इंटरव्यू के दौरान सैफ ने बताया कि इब्राहिम करण जौहर को उनकी अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में असिस्ट कर रहे हैं। वो फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इब्राहिम अपने काम के बारे में उनसे डिस्कस भी करते हैं। वहीं अपने चारों बच्चों के साथ बॉन्ड को लेकर सैफ ने कहा कि वो सभी अलग हैं। इब्राहिम से मैं उसके काम को लेकर बात करता रहता हूँ। सारा सबसे बड़ी है और हमारी काफी अलग इक्वेशन है। तैमूर को अभी गाइडेंस चाहिए और जेह तो स्माइल करता रहता है और हमेशा उसकी लाड टपकती रहती है। वह सबसे छोटा है, ये काफी अच्छी बात है कि चारों अलग हैं। और जैसे कि सारा कह चुकी है कि मेरी जिंदगी के हर दशक में मेरे बच्चे हुए हैं, 20 से लेकर 50 तक, तो मैं भी अलग हूँ। इब्राहिम अली खान भी अपनी बहन सारा की तरह ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। इब्राहिम का इंस्टाग्राम अकाउंट उनकी स्मार्ट लुक की तस्वीरों से भरा पड़ा है। इब्राहिम के लुक्स हूबहू अपने पिता सैफ से मिलते हैं। वैसे भले ही सारा और इब्राहिम बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन करीना नहीं चाहती कि उनके बेटे तैमूर और जे फिल्म स्टार्स बने। करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बहुत खुश होंगी अगर एक दिन तैमूर कहे कि वह कुछ और बनना चाहता है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। खैर वो सब उसकी च्वाइस होगी, मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ रहूंगी और उन्हें सपोर्ट करूंगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।